तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ गरिमा जी हैं और गरिमा जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला एंड फॉर्मूले में हम बात करेंगे आज टैक्स कैटेगरी का। तो टैक्स कैटेगरी में हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कैर एंड कोड का फॉर्मूला है, कोई भी हम कैरेक्टर लिखते हैं तो इसका एक कोड जनरेट होता है, वो फॉर्मूला हम कोड से पता कर सकते हैं कि वो क्या है। तो कोड फॉर्मूला CODE कोड फॉर्मूला हमें बताता है कि इसका कोड क्या है, फिर वापस हम कैर फॉर्मूला से इसकी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ जानिए कि क्या है कोड, ऐसा हुआ क्यों। ये क्या है कि एक्सेल में आपका अल्फाबेटिक भी है और अल्फाबेटिक कैप्स और लेटर में दिया जाता है, तो कोड फॉर्मूला कैप्स का अलग कोड देता है और स्मॉल का अलग कोड देता है, जिससे एक्सेल जो है बड़े और छोटे का फर्क रखता है। आगे चल के जब हमारा जब इसमें टैली होती है, जैसे कि हम लोग इफ कंडीशन को लगाते हैं तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन VBA में केस सेंसिटिव होता है, तो ये छोटे बड़े का फर्क रखने के लिए एक कोड का इस्तेमाल करता है। इसको हम लोग स्काई वैल्यू कहते हैं। जी हाँ, स्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड इंडिकेटेड वैल्यू होती है, इसको स्काई वैल्यू बोला जाता है। ओके मैम, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमारा जरूरत क्या है इस फॉर्मूले की, तो इसकी आगे की टॉपिक्स में हम इसकी जरूरत के बारे में समझाएंगे।